हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं अविनाश त्यागी यति क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगेन मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आया हूं जो काफ़ी सारे बच्चों का मिसकंसेप्शन के रूप में रहता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थिंग ऑफ प्लेट्स की, जिसमें हम पैरेलल प्लेट सिस्टम भी लेंगे। बच्चों, आप जब भी किसी चीज़ को अर्थ करते हैं तो क्या होता है? जनरली बच्चा सोचता है कि सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, पर हमेशा ऐसा नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि अर्थिंग किए जाने पर चार्ज जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप उसे किसी भी छोटे से, क्योंकि उसके संदर्भ में तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स छोटे ही हैं, तो छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कनेक्ट किए जाते हैं, वायर किया जाता है, तो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पर चूंकि अर्थ इतना विशालकाय है तो उसमें पोटेंशियल डेवलप कर पाना किसी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट की बात तो है नहीं। तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कनेक्ट करते ही उनका भी पोटेंशियल जीरो ही हो जाता है, क्योंकि अर्थ हम जीरो ही मानते हैं। तो फिर सारा चार्ज उसमें ही फ्लो हो जाता है अर्थ में। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? जी नहीं, कई बार पोटेंशियल को जीरो करने के लिए ऑब्जेक्ट में चार्ज फ्लो भी होता है, वो भी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन होने वाला है। सबसे पहले केस लेते हैं सिंगल प्लेट का। दोस्तों, मान लो कि आपने सिंगल प्लेट पर क्यू चार्ज दिया, कंडक्टिंग प्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर एक छोटे से एनिमेशन में देखें, Q चार्ज दिया तो वो Q चार्ज दोनों तरफ Q by 2 और Q by 2 में डिवाइड हो जाएगा, और इधर भी Q by 2 चार्ज आ जाएगा और इधर भी Q by 2 चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर मान लिया जाए मैं इसकी अर्थिंग करूं, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग का नोटेशन आप जानते हैं किस तरीके से होता है, इस तरीके से लाइनें आती हैं, स्विच को आप कनेक्ट करें। होगा क्या? सारा चार्ज नीचे जाना शुरू कर देगा, क्योंकि यहां पर और कुछ है ही नहीं। जो भी पोटेंशियल है इस प्लेट का वो सिर्फ इस चार्ज के कारण से ही है। तो अर्थ चाहेगी कि उसके पोटेंशियल को जीरो करें तो वो सारा चार्ज खींच लेगी, तो ये जो आपकी प्लेट है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा। ये तो सिंपल सा केस था एक प्लेट का। बट व्हाट विल हैपन अगर दो पैरेलल प्लेट सिस्टम हो? ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। ध्यान से देखें, ये है डबल प्लेट सिस्टम। दोस्तों, इसमें मैं आपसे कहता हूं, मान लो ये एक चार्ज्ड प्लेट है और ये है अनचार्ज्ड प्लेट। इस चार्ज प्लेट पर मैंने Q चार्ज दिया तो इस पर Q by 2 और Q by 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, ये वाला चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इस पर तो कोई चार्ज नहीं था, तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव। मान लिया इसकी अर्थिंग की, स्विच को आपने क्लोज कर दिया, तो अब जरा यहां पर सोचने वाली बात है कि यहां पर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले मैं समझा देता हूं कि जैसे ही आप इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो होता क्या है, मतलब जब हमने लास्ट वीडियो में देखा कि पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा था, तो एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज तो एक वर्चुअल कंसेप्ट है। होता क्या है कि धरती से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो हम इसे पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में ऐसे शो करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसमें अर्थिंग की तो अर्थिंग क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगी और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगी। तो वंस ऑल ऑफ देम विल गेट न्यूट्रलाइज्ड, देन सी व्हाट विल हैपन। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इन सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। फिर ये चार्ज जो है जब यहां से खत्म हो जाएगा तो यहां एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, यहां बढ़ना शुरू कर देगा अपने आप को। चूंकि यहां चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो वो उधर के पॉजिटिव चार्ज को भी इधर ही खींचेगी अपनी तरफ, तो वो चार्ज जो उस सरफेस पर है उधर से इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि उधर से पूरा चार्ज इस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो जाता ऐसा। और अल्टीमेटली होने वाला है कि सारा चार्ज इधर आ जाएगा और इधर पूरा चार्ज इधर आ गया है, प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है। तो दोस्तों, इस केस में जैसा कि ये केस आपको दिखाई दे रहा है, इस केस में आपको क्या लग रहा है कि धरती ने कुछ चार्ज दिया है? ऑब्वियसली, क्योंकि इनिशियली ये प्लेट अनचार्ज थी, बट नाउ दिस प्लेट हैज माइनस क्यू चार्ज। ये माइनस क्यू चार्ज आया कहां से? ये माइनस क्यू चार्ज धरती ने दिया, वो इलेक्ट्रॉन सारे सप्लाई किए यहां पर। क्यों? जस्ट टू मेक इट पोटेंशियल जीरो।
तो ये वो केस है जिसमें पोटेंशियल जीरो करने के लिए धरती एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर रही है, नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर दिया जो कि अनचार्ज प्लेट थी, क्योंकि इस पॉजिटिव प्लेट के कारण से यहां पर एक पोटेंशियल था। बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर वो क्यों इलेक्ट्रॉन दे रही है उसे, क्योंकि इनिशियली तो वो अनचार्ज थी सर, उस पर कोई पोटेंशियल था ही नहीं, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन दे रही है? वो इसलिए दे रही है बच्चों क्योंकि इस बगल में जो ये प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट के कारण से यहां पर पोटेंशियल है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो उस पॉजिटिव पोटेंशियल को खत्म करने के लिए उसने अपने आप से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देना शुरू कर दिया। तो ये कारण है, और ये तब तक देती रहती है जब तक कि सारा चार्ज इधर नहीं आ जाता। तो आपको पैरेलल प्लेट के केस में ये बात हमेशा याद रखनी है, पैरेलल प्लेट सिस्टम में जब भी कोई भी प्लेट अर्थ कर दी जाए तो उसके आउटर सर्फेसिस पर चार्ज जीरो हो जाता है। मित्रों समझ रहे हैं बात को? इतना सा कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, अर्थिंग का कोई भी पैरेलल प्लेट का सवाल आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। उम्मीद है आज का ये सेशन तो छोटा सा था, पर जो कंसेप्ट था वो बहुत बड़ा था और आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कंसेप्ट्स के साथ हम मिलते रहेंगे यति क्लासेस के चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करिए। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू।